ऑरम मेटेलिकम, कॉमन नेम गोल्ड, द एलिमेंट। सैंग्विन रेडी पीपल विद ब्लैक हेयर एंड आईज, लाइवली रेस्टलेस एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर। सैंग्विन मतलब ब्लड रेड, जिनमें रेडनेस रहती है फेस पे। रेडी पीपल, रेडी मतलब हैविंग ए हेल्दी रेड कलर ऑन फेस, जिनके ब्लैक हेयर्स हैं, ब्लैक आईज हैं, लाइवली होते हैं, बड़े फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ लाइफ, एक्टिव पीपल। रेस्टलेस होते हैं थोड़े से और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंग्जियस रहते हैं। ओल्ड पीपल वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ। ऑरमेट बूढ़े लोगों के मेडिसिन भी है, जिनमें विजन कमज़ोर हो गया हो, कॉर्पुलेंट यानी कि फैट हो, एंड दे आर टायर्ड ऑफ लाइफ, जीवन से थक चुके हैं। फॉर कंस्टिट्यूएंट्स ब्रोकन डाउन बाई द बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी एंड सिफिलिस, ऐसे कंस्टिट्यूशंस की मेडिसिन है जो मर्करी के या सिफिलिस के बैड इफेक्ट्स की वजह से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पिनिंग बॉयज, पिनिंग बॉयज मतलब वो जो पिन बाउल गेम होता है, एक बाउलर बॉल थ्रो करता है, सामने कुछ पिंस रखी होती हैं, वो गिर जाती हैं, तो पिनिंग बॉय का काम होता है वो पिंस वापस मैनुअली रखना वहाँ पे और बॉल उठा के बाउलर को देना। तो ऐसा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है। सो पिनिंग बॉयज़ कहने का मतलब क्या था, दे आर लो स्पिरिटेड यानी कि सैड, डिप्रेस्ड, लाइफलेस मीन्स जॉयलेस, अनहैप्पी, वीक मेमोरीज़, मेमोरीज वीक होती हैं, लैकिंग ऑफ बॉयश को, जो लड़कपन होता है ना, जो चंचलता होती है, वो चीज़ उनमें थोड़ी सी कम होती है। टेस्टिस अनडेवलप्ड, जो टेस्टिस हैं वो भी अनडेवलप्ड होते हैं। मेयर पेंडेंट थ्रेड्स मतलब ऐसे ही पतले पतले से टेस्टिस लटकते रहते हैं, मतलब अनडेवलप्ड टेस्टिस रहते हैं। कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुइसाइड, लगातार उनके मन में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, सुइसाइड। तो नाजा में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड बट इज़ एफ्रेड टू डाई, दैट इज़ नक्स वोमिका, कि सुसाइड के बारे में सोचता है लेकिन मरने से डरता है, मरने से डरता है, दैट इज़ नक्स वोमिका। प्रोफाउंड मेलेंकोली, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, फील्स हेटफुल, बड़ा घृणित महसूस करता है, एंड क्वेरलसम, एंगर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बड़ी जल्दी इल टेम्पर्ड, लड़ने को उतारू रहते हैं। डिज़ायर टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने की टेंडेंसी है। लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट बर्डन, जिंदगी पूरे टाइम ऐसा लगता है जिंदगी बोझ है। आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, मतलब मरकरी के एब्यूज़ के बाद लगभग सभी कंप्लेंट्स के साथ ये सुसाइड करने की टेंडेंसी, या लाइफ बर्डन है, या लगातार दुखी रहना है, हेटफुल रहना है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अनईजी, हरीड, ग्रेट डिज़ायर फॉर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, असहज होते हैं थोड़े से, जल्दी जल्दी रहती है इनको, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी करने की बड़ी इच्छा होती है, बट कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ, चीज़ों को उतना जल्दी जल्दी कर नहीं पाते हैं। ऐसा ही अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, कंट्राडिक्शन, मॉर्टिफिकेशन, वैक्सेशन, ट्रेड और रिजर्व डिस्प्लेजर, किन किन चीज़ों से इनको दिक्कतें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो फ्राइट से मतलब डर गए, एंगर से, कंट्राडिक्शन से, कोई अपोजिट बात बोल दिया, कोई विपक्ष की बात बोल दिया, मतलब अपने से, अपनी राय से सहमत नहीं है वो, असहमत है वो, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसे एलिमेंट होता है। मॉर्टिफिकेशन मतलब बेइज्जती हो गई कहीं, वैक्सेशन खुद में आत्मग्लानी फील हो रही है, ड्रेड मन है, फियर है, और रिजर्व डिस्प्लेजर या कोई इच्छा रह गई मन में कैसा हो जाता, तो रिजर्व डिस्प्लेजर जो है वो स्टेफिस ग्रेशिया में भी देखने को मिलता है। ओवर सेंसिटिव, लीस्ट कंट्राडिक्शन एक्साइट्स विद एक्साइट्स रैथ, बड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं, छोटा सा भी कंट्राडिक्शन ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, ऐसा ही कोनियम में भी देखने को मिलता है। एंड ओवर सेंसिटिव टू पेन, टू स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच, पेन के लिए ओवर सेंसिटिव है, स्मेल के लिए ओवर सेंसिटिव है, टेस्ट के लिए, हियरिंग के लिए, और टच के लिए ओवर सेंसिटिव है, नाकार्डिया में भी देखने को मिलता है। हेडेक ऑफ पीपल विद डार्क ऑलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, ऐसे लोगों का हेडेक जो डार्क ऑलिव ब्राउन, ऑलिव ब्राउन मतलब डार्क कलर के होते हैं, ब्लैकिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन होता है। सैड, दुखी होते हैं, ग्लूमी, ग्लूमी माने डिप्रेस्ड। टैसिटर्न मीन्स रिजर्व्ड, जो लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, अपने में ही रहते। डिस्पोज्ड टू कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी होती है,
फ्रॉम लीस्ट मेंटल एग्जर्शन, थोड़ा सा भी मेंटल वर्क करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी होती है। फॉलिंग ऑफ द हेयर, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्पेशली सिफिलिस में, मर्क्यूरियल इफेक्शंस में। हेमीओपिया, हेमीओपिया का मतलब है ब्लाइंडनेस इन हाफ विजुअल फील्ड, आधा ही दिखाई देता है। तो सीज ओनली द लोअर हाफ, एरम मेटेलिकम में क्या होता है, लोअर हाफ ही दिखता है, अपर हाफ नहीं दिखता है। एंड सीज ओनली द लेफ्ट हाफ, अगर लेफ्ट हाफ ही दिखाई दे रहा है तो ऐसा लिथियम कार्बोनिकम और लाइकोपोडियम में मिलता है। सिफिलिटिक और मर्क्यूलियर इफेक्शंस ऑफ द बोन्स, बोन्स में अगर सिफिलिस की वजह से दिक्कत हो या मर्क्यूरियल इफेक्शंस हो। कैरीज, कैरीज का मतलब होता है डिके, किस चीज़ का डिके हो रहा है, नेजल पैलेटाइन या मैस्टॉइड बोन्स में डिके स्टार्ट हो जाता है। ओजीना, ओजीना का मतलब है कि फाउल इसमें लाना नोज से। ओटोरिया मीन्स डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, एक्सेसिव फीटी डिस्चार्ज। तो ओजीना और ओटोरिया यानी नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है, कान से जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा फीटिड होता है। पेन्स वर्स एट नाइट, और जो पेन है वो रात में बढ़ता है, ड्राइव टू डेस्पेयर। और पर्सन ना निराश सा हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी फिर सुसाइडल टेंडेंसी आती है, सुसाइडल थाट्स आते हैं। ऑफ मर्क्यूरियल और सिफिलिटिक ऑरिजिन, तो ये जो कैरीज हैं ये मर्क्यूरियल या सिफिलिटिक ऑरिजिन की होती हैं, और ऐसा ही एसवियोटाइडा में भी देखने को मिलता है। सो प्रोलैप्स्ड एंड इंड्यूरेटेड यूटरस, कि यूटरस प्रोलैप्स हो गया है या इंड्यूरेशन हो गया, इंड्यूरेशन मतलब हार्ड हो गया है, फ्रॉम ओवर रीचिंग और स्ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग की वजह से या फिर स्ट्रेनिंग की वजह से, ऐसा ही कुछ पोडोफाइलम और स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। फ्रॉम हाइपरट्रॉफी, और अगर हाइपरट्रॉफी की वजह से हुआ है तो कोनियम मैक्स से सिमिलैरिटी मिलती है। मेंस्ट्रुअल एंड यूट्राइन अफेक्शंस विद ग्रेट मेलेंकोली, एग्रेवेशन एट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल या यूट्राइन अफेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, उसमें दुखी रहता है पर्सन, परेशान रहती है। एंड एग्रेवेशन मेंस्ट्रुअल पीरियड में एग्रेवेशन देखने को मिलता है। फाउल ब्रेथ इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे जो गर्ल्स हैं उनमें फाउल ब्रेथ देखने को मिलता है, मतलब मुंह से बदबू आती है। सेंसेशन एज इफ द हार्ट स्टूड स्टिल, कभी कभी सेंसेशन ऐसा होता है कि दिल जो है वो रुक गया है। एज दो इट सीज टू बीट एंड सडनली गिव ए हार्ड थंप, ऐसा लगता है जैसे धड़कना बंद हो गया और अचानक से मतलब एक हार्ड बीट आती है। सीपिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। वायलेंट पैल्पिटेशंस, जो पैल्पिटेशंस हैं यानी कि हार्ट बीट रैपिड स्ट्रांग हो जाती है, तो बड़ा वायलेंट सा रैपिड स्ट्रांग हार्ट बीट देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एंग्जाइटी होती है। कंजेशन ऑफ ब्लड टू हार्ट एंड चेस्ट आफ्टर एग्जर्शन, थकान होने पर ब्लड का कंजेशन हो जाता है हेड में, चेस्ट में। पल्स स्मॉल, फीबल, रैपिड, इरेगुलर। पल्स कैसी होती है, छोटी। फीबल मने स्लो, लो। रैपिड, जल्दी जल्दी और इरेगुलर पल्स देखने को मिलती है। विजिबल बीटिंग ऑफ कैरोटिड एंड टेम्पोरल आर्टरीज, जो कैरोटिड और टेम्पोरल आर्टरीज हैं उनकी जो बीटिंग है ना वो दूर से दिखाई देती है, विजिबल बीटिंग, मतलब इतना ज़्यादा इरेगुलर पल्स है। तो ऐसा ही बेलाडोना और ग्लोनाइन में भी देखने को मिलता है। फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट, अगर हार्ट में फैटी डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया तो ऑरम मेटेलिकम के बारे में सोच सकते हैं। फॉस्फोरस में भी ऐसा देखने को मिलता है। रिलेशंस की बात करें, सो ऑरम फॉलोज एंड इज फॉलोड वेल बाय सिफिलाइनम, ऑरम जो है वो सिफिलाइनम को फॉलो करता है और सिफिलाइनम से फॉलो भी होता है, मतलब इसके पहले भी दे सकते हैं, बाद भी दे सकते हैं। सिमिलर टू एस्फियोटाइडा, कैलकेरिया, प्लेटिना, सीफिया, टेरेंटुला एंड थेरिडियन इन बोन यूटराइन डिजीज़, बोन और यूट्राइन डिजीज़ में ये एस्फियोटाइडा, कैलकेरिया, प्लेटिना, सीफिया, टेरेंटुला और थेरिडियन के सिमिलर होता है। एग्रेवेशन की बात करें तो ऑरम मेट में जो एग्रेवेशन है वो कोल्ड एयर की वजह से या व्हेन गेटिंग कोल्ड, ठंड लगने की वजह से, व्हेन लाइंग डाउन, लेटने की वजह से, मेंटल एग्जर्शन की वजह से। एंड मैनी कंप्लेंट्स कम ओनली इन विंटर, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं वो सिर्फ विंटर सीजन में ही आती हैं। एम्ब्लूरिएशन वार्म एयर से या व्हेन ग्रोइंग वार्म इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग समर, तो जब गर्मी बढ़ने लगती है, ठीक है, मॉर्निंग में या समर में।
So thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.